गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ कोई भी चूतिया मोबाइल उठा के ब्लॉग बनाना चालू कर देता है। तो आज है कॉस्मो, क्या है वे कॉस्मो कॉस्मोपॉलिटन ऐसे कुछ एथनिक फेस्ट 2023। हां वहां पे लिखा हुआ मल्टी एथनिक फेस्ट 2023। ठीक है या भाई, कितना बड़ा अनपढ़ है हम दोनों। नहीं हम दोनों नहीं, तुम हो, मुझे मत बोलो। ठीक है भाई, ढक्कन वाला पोछड़ी है। हाँ भाई, यहाँ पे काफी सारा स्टॉल लगा हुआ है, तो हम लोग जा रहे हैं स्टॉल की ओर। सबसे पहले पेट पूजा करेंगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं पीछे का सेट क्या है, कैसा सेटअप किया गया है। यहाँ भी स्पॉन्सर अमजद अली करेगा, यहाँ पे भी यही स्पॉन्सर करेगा। भाई मैं बचपन से ही गरीब हूँ, पर बाप गरीब, दादा गरीब, पर दादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। चलो तो ये सब स्टॉल लगा हुआ है, राज भाई करेगा खर्चा। ये लोगों को अभी से ऐसे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ वो यहाँ पे स्टॉल लगाए। चलो इससे बात करते। तो आज है मल्टी एथनिक फेस्ट 2023, तो यहाँ पे होने वाला है मल्टी, अरे यार यहाँ पे होने वाला है मल्टी एथनिक फेस्ट। ये है एनसीसी ग्राउंड, हम लोग किधर बैठेंगे, अरे ये भैया भी जानते हैं। कुछ गलत सलत मत बोल देना इसमें वीडियो में, क्योंकि ये यूट्यूब में जाने वाला है, समझ में आया। तो चल बे भाई, तो यहाँ पे जो भी कल्चरल प्रोग्राम होगा यहाँ पे सारा डीजे का है, और यहाँ पे उधर जो है कॉर्नर साइड में उधर स्टाफ लोग बैठेंगे, एम्प्लॉय लोग, प्रोफेसर लोग, इधर हम लोग स्टूडेंट के लिए, और उधर वेलकमिंग के लिए ड्रम वगैरह सब बजा रहे उधर, जो मैंने पहले दिखाया था आपको वीडियो में। चला जा अब चलते स्टॉल की ओर कुछ खाने। यहाँ पे भी कुछ ऐसा कुछ लगाया है लाइटिंग वगैरह, आई डोंट नो ये क्या है, क्या है भैया? अबे वीडियो है वहाँ पे जो, अच्छा हाँ यहाँ पे वीडियो दिखेगा जो स्टेज में परफॉर्म होगा, पता नहीं मेरे को क्यों नहीं पता था ये, इसको कैसे पता चल गया देखो कैसे पता चला। गाइस ये हम लोग का दोस्त है, इसका प्लेसमेंट नहीं लगेगा तो इसलिए यहाँ पे स्टॉल लगाया। पाव भाजी खिलाएगा ना भाई, कितना रुपया पाव भाजी? 70। पैसा भी लेगा हमसे, घुमा देना उसको भाई, उसको घुमा देना, 7 रुपए ले ले। सर 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 ये फेस्ट के लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? कौन है तू? से हाय मेरा फ्रेंड, और अबे आ रहा है इसको ये वापस फिर से आ गया वीडियो में किधर घूम रहा भाई, ढूंढ रहा है गर्लफ्रेंड को, ढूंढ रहा ना झूठ बोल रहा है। ये सब वेलकम करने के लिए ना, आजा आजा। काम हो चुका है, आप देख सकते हैं नाइटी कितना खूबसूरत लग रहा है, उधर भी काफी लाइटिंग हो चुका है, कुछ पिक्चर भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि लाइटिंग कितना अच्छा होता है। तो आप लोग आ सकते हैं नाइटी राहुल किला कभी भी, लेकिन आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ आपको एंट्री नहीं मिलेगी बात अलग है भाई, पता तो लगे भाई कि मैं एनआईटी में हूँ, ये मेरा दोस्त भी एनआईटी में है, हम लोग फ्लैक्स नहीं कर रहे लेकिन एनआईटी में है क्या? या या आईआईटी में तो ज़्यादा फ्लैक्स करते जैसा हम लोग का हरकत है ना, जैसा हम लोग वीडियो में दिख रहे हैं ना, इन लोगों को क्या लगे पता है? एक नंबर के घुमक्कड़ हैं, और घुमक्कड़ नहीं, इन लोगों को लगेगा ना भाई इन लोग एनआईटी के लायक ही नहीं है मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था भाई, लोग मैं हूँ इसका पता नहीं ना। क्या शंका है राजकुमार भरत? कुछ दिन पूर्व मेरे स्वर्गवासी पिता महाराज दशरथ ने एक ऐसी ही सभा का आयोजन किया था जहाँ आप सभी उपस्थित थे। वहाँ उन्होंने सर्वसम्मति से श्री राम को राजभार सौंपने का प्रस्ताव रखा था, जहां आप सभी ने एक आवाज में श्री राम के पक्ष में अपना मत रखा था। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि राम जैसा राजा किसी देश को बड़े भाग्य से मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा। फिर आपके मत के पश्चात महाराज दशरथ ने एक रानी के कहने पर सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय को ठोकर मार दिया और राम को वन भेज दिया और चहेती रानी के बेटे पुत्र को राजा बनाने जा रहा है।
तब आप में से कोई उठा ये पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या? आप में से किसी ने विद्रोह की आवाज उठाई? मत का अधिकार होना अच्छी बात है, किंतु जो मत के अधिकारी है श्री राम अयोध्या वापस नहीं आते तो मैं भी एक राजा का नहीं, राज पर केवल उनका ही अधिकार है। बहुत ही कठिन कार्य की प्रतिज्ञा ली है राम, बहुत ही दृढ़ संकल्प है, उसके निर्णय को बदलना बहुत ही कठिन कार्य है। माँ, इसीलिए तो आपका चलना अनिवार्य है। मुझे धर्म नीति राजनीति की बातों में उलझा सकते हैं, किंतु किंतु आप जय श्री राम। हो गया भैया, इन दोनों को छोड़ो और सच उठाओ। चित्रकूट तक आ गया है, मुझे मेरे भील मित्रों ने बताया है कि अयोध्या के राजा भरत आ रहे हैं। मैंने खुद पेड़ पे चढ़कर देखा है तो मुझे सच सेना दिखाई दी है, हाथी घोड़े सूर्य पतका लहरा रही थी। इसका मतलब है अपनी पूरी शक्ति के साथ आपकी तरफ आक्रमण करने को आ रहा है। अगर